हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने जो फॉरेन बॉडी है वो निकली है कि उसके सांस के नली में इनहेलेशन की है? अगर किसी बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी इनहेलेशन की है, मतलब फेफड़े में गई है, सांस की नली में गई है, तो उसको सांस की तकलीफ होगी, सांस तेज से चलने लगेगी, बच्चे में घबराहट होने लगेगी। और अगर किसी ने फॉरेन बॉडी खाने की नली में अटकी है तो उसको उल्टी की शिकायत होगी, पेट दर्द की शिकायत होगी और खाना निकलने में दिक्कत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सज्जन अग्रवाल, पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है फॉरेन बॉडी इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन। फॉरेन बॉडी इंजेक्शन का मतलब होता है कोई भारी वस्तु जो बच्चे खेलते खेल में मुंह में रख लेते हैं और गलती से उसे निगल जाते हैं। अधिकांशतः 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में ये केस कंडीशन पाई जाती है। फॉरेन बॉडी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डेंजरस फॉरेन बॉडी, जिसके अंदर बटन बैटरी और मैग्नेट्स। बटन बैटरी चूंकि चाइनीज़ खिलौने बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, लो कॉस्ट होती है, इसलिए इनके अंदर जो यूज़ होने वाली चाइनीज बैटरी है ये बहुत डेंजरस फॉरेन बॉडी होती है। दूसरी कैटेगरी फॉरेन बॉडी की होती है जिसे हम बोलते हैं शार्प फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सुई, पिन, सेफ्टी पिन। ये नुकीली चीज़ें होती है जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें अल्सर बना सकती है, इवन परफोरेशन तक कर सकती है। तीसरी कैटेगरी है फॉरेन बॉडी की ब्लंट फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स। ब्लंट फॉरेन बॉडी का मतलब होता है जो नुकीला नहीं होता, जैसे कि सिक्का, कंचे और कोई भी जो नुकीली चीज़ नहीं होती है। तो जो डेंजरस फॉरेन बॉडी है और जो शार्प फॉरेन बॉडी है ये हाई रिस्क कैटेगरी में आती है और इसमें इमरजेंसी एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है निकल। जो ब्लंट फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स होती है उसमें मोस्टली बच्चे सिक्के निकलते हैं और 50% केस में ये देखा गया है कि ये लेटरिन के रास्ते अपने आप बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, एंडोस्कोपी की जरूरत किन बच्चों में पड़ती है ये समझने के लिए आपको फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स मालूम होना चाहिए कि बच्चे ने किस टाइप का फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स निकला है। अगर बच्चे ने बटन बैटरी निकली है या मैग्नेट्स निकले हैं या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स निकला है तो इसमें हमें इमरजेंसी फॉरेन बॉडी निकालने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर बच्चे को फॉरेन बॉडी निकलने के वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसको पेट दर्द हो रहा है, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो हमें उस कंडीशन में फॉरेन बॉडी निकालने की ज़रूरत होती है जो हम एंडोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं। कुछ चीज़ों का घर वालों को बड़ा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें यह नेचर पता होना चाहिए कि फॉरेन बॉडी बच्चे ने कौन सी निकली है। दूसरा, बच्चे को उस समय खाने के लिए कुछ भी ना दे। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बच्चे को उल्टी कराने की कोशिश न करें, क्योंकि कई बार उल्टी कराने के चक्कर में फॉरेन बॉडी ऊपर के हिस्से में अटक जाती है, सांस की नली में जा सकती है, जो बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और अगर बच्चे को कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में लेके आए जहाँ पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिससे कि उसको वो उपचार मिल सके। अगर आपको इस समस्या से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।